आज के इस लेसन में हमें स्लीव कटिंग करना है, जो 36 साइज का हमारा जो कोर्स है उसके लिए। ये जो कपड़ा है कैसे फोल्ड करना है, जैसे फोर पार्ट में ये फोल्ड है। ये जो सीधा मार्क किया है ये हमारा कटिंग वाला मार्क है। अब उसके बाद यहाँ पर 4.5 इंच की लंबाई है स्लीव का, 4.5 इंच लंबाई है। अब यहाँ पर ये कटिंग वाला मार्क है, तो यहाँ पर सिलाई का मार्क होगा, सिलाई वाला मार्क, जैसे यहाँ पर समझाया है कि ये स्टिच मार्क है। अब उसके बाद यहीं से हमें 4.5 इंच का लेंथ का नाप लेना है, 4.50 लेंथ है, तो यहीं से लेना है आपको। ये लेंथ वाला नाप हो गया। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर समझाया है, 0.50 यानी आधा इंच हमें मार्जिन के लिए नाप लेना है, तो यहाँ पर उसके ऊपर आधा इंच मार्जिन ले लीजिए। अब यहाँ पूरा चीज़ देख लीजिए, तो ये 4.5 रेडी आ जाएगा और आधा इंच का मार्जिन है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो इसको बोलते हैं स्लीव कैप हाइट, यानी पर ये जो गोलाई हम कटिंग करेंगे वो कहाँ तक कटिंग करेंगे। जैसे हम जनरली जो नाप लेते हैं 3.5 इंच जो नाप लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैसा ही नाप हमारे सामने आता है इसलिए। लेकिन यहाँ पर अब उसका जो तरीका समझे कि हाइट का मेजर तो कैसे लिया जाता है, जैसे जिसका हमने चौथा हिस्सा किया हो, जैसे यहाँ पर हमने जो इसका चौथा पार्ट किया है, जैसे ये 34.5 का हमने फाइनल मेजर रखा है, तो फाइनल मेजर जिसका 34.5 का है, तो इसलिए वहाँ पर उसका 10वां हिस्सा हमें करना होता है, वो हमें मिलता है कि हाइट, वो भी रेगुलर जो कोट में बनता है, सफारी में सूट में बनता है वैसा नहीं, ये रेगुलर नाप है। तो ये 3.45 इसका नाप आएगा, 34.50 का आप डिवाइड 10 करोगे तो उसका जो जवाब आएगा 3.45। तो ये जो नाप बना है वो कहाँ से लेना है हमें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3.45 यानी हम इसको 3.5 इंच ले सकते हैं, वो भी कहाँ से लेना है, तो यहाँ पर लिखा है कैप हाइट, जो जहाँ से कटिंग करना है वहाँ से नीचे लेना है, जहाँ से सिलाई है वहाँ से नहीं। तो यहाँ पर हमने मार्क किया है, उस हिसाब से कटिंग वाला मार्क हमारा ये नीचे वाला है, तो वहीं से हमें 3.5 इंच का ये मार्क हमें किया है, इसको बोलते हैं कैप हाइट। अब ये जितना नाप बना है 1.50 एंड 1 पॉइंट, उतना नाप एक आप यहाँ पर कर दीजिए ताकि आप यहाँ पर सीधा मार्क कर पाओ। हमें तो यहाँ पर लेना है कि ये वाला जो नाप है मार्जिन कैसे आएगा और यहाँ का जो नाप कैसे आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो हमने समझाया है, द साइज ऑफ द फ्रंट आर्म राउंड फॉर्मूला हैज़ टू बी मार्कड बाय 0.25 इंच माइनस, इस यानी कहने का मतलब है, पर हमने जो नाप लिया था स्लीव किस में जोड़ा जाएगा, जहाँ पर आर्मोर में जोड़ा जाएगा, तो यहाँ का हमारा फॉर्मूला के हिसाब से ये जो नाप आया था 7.5 और 1 पॉइंट, ये जो हमारा नाप आया था उसमें से हमें 0.25 इंच माइनस करना है। अब उसमें से 0.25 माइनस करेंगे तो नाप आएगा 7.25 एंड 1 पॉइंट। जैसे हमने जब बैक पार्ट कटिंग करना था, तब सबसे पहले हमने जो ये मार्क किया था स्लीव क्रॉस चेक, यहाँ पर स्लीव क्रॉस चेक का जो ड्राफ्टिंग किया था वही नाप है, तो वहाँ पर भी हमने वही चीज़ देखा था कि यहाँ पर 7.25 एंड 1 पॉइंट, उस हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क किया था और उसके बाद ही यहाँ पर हमें पता चला था कि इसको कटिंग करना है नहीं करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो नाप बना है 7.25 एंड 1 पॉइंट, इसको हमें यहाँ पर जहाँ से ये कटिंग करने वाला नाप है वहाँ पर आपको मेजर टेप रखना है, ध्यान रखना है, जहाँ पर जितनी ये पॉइंट वाला नाप है वही मेजर आपको यहाँ पर रखना है, आपको यहाँ पर उल्टा मेजर नहीं रखना है। ये मेजर आपने रखा, अब यहाँ पर देखे तो 7.25 एंड 1 पॉइंट ये जो नाप हमारा आ गया है, तो ये जो नाप बनेगा वो बनेगा स्टिच लाइन, ध्यान दे, तो ये जो नाप बनेगा वो स्टिच लाइन का बनेगा। यहाँ पर भी जो हमने सीधा नाप रखा है उस हिसाब से। अब उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का जो मार्जिन है वो हमें अलग से देना है, ये नाप हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर स्लीव का मोरी का जो नाप है 13 इंच, अब 13 इंच है, तो यहाँ पर हमें उसका आधा रख करना पड़ेगा क्योंकि ये फोल्ड पार्ट है, इसलिए यहाँ पर उसका जो आधा है 6.5 इंच, वो हमें यहाँ पर जो सिलाई वाला नाप है वहीं पे इसका मार्क करना है, तो ये नाप हो गया। अब उसके बाद 1.5 इंच का हमें मार्जिन अलग से लेना है, मिलाया,
तो यहाँ पर ये हमें सीधे में ही मिल गया जो हमने शुरुआत में सबसे पहले स्लीव क्रॉस चेक किया था। स्लीव क्रॉस चेक करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आधा इंच से अगर ये वाला हमारा नाप सीधे में मिल गया लेकिन आधा इंच से यहाँ पर दूर में मिलता तो यहाँ पर ये ज़्यादा क्रॉस होता। इसके कारण क्या होता है कि आर्मोल की साइड में ये जोड़ मारता है और ये जो सीधा मार के उससे अंदर की ओर आया इस तरह से तो ये बहुत कम केस में ये बनता है। अगर अंदर आया तो यहाँ पर आपको सीधा ही ले लेना है, लेकिन अंदर वाला अगर नाप आया तो इसका मतलब है कि जो बॉडी आर्मोल है वो हमें चेक करना होता है कि उससे ये कम हो गया। अगर 16 की जगह 15.5 हो गया तो ही ये अंदर आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर स्लीव क्रॉस चेक किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये आधा इंच से बाहर निकला वो भी गलत होता है और ये जो सीधा नाप है उससे अंदर गया वो नाप भी गलत होता है। इसलिए ऐसा नाप आया तो ये कटिंग सही नहीं हो सकता है, इसका हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर सीधे नाप से हमें मिल गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक 0.75 यानी 0.75 इंच का एक मार्कर देना है, जहाँ से कटिंग करना है वहीं से लेना है। अब दूसरा नाप 1.75 वो भी कहाँ से लेना है, जीरो से जहाँ से कटिंग करना है वहीं से लेना है। अब ये नाप हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हमारा जो ये स्लीव आर्मोल शेप का जो स्लीव स्केल है उसको आपको रखना है। यहाँ पर आपको इतना जगह छोड़ देना है। ये शेप मिल गया, ये बहुत आसान हो गया है। अब इसके बाद 0.75 से यहाँ पर ये आपको मिलाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको गैप कितना चाहिए उसके आधार पे आपको ये सब मार्क करना है। जैसे आपको पतला शेप चाहिए और गहरा चाहिए और भी गहरा चाहिए उस हिसाब से आप इसका शेप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जनरली नाप होता है वो आधा इंच से पौना इंच तक का जो जनरली नाप बनता है यहाँ पर गैप में, तो इसका हमने यहाँ पर मार्क कर देना है। अब जैसे यहाँ पर कोना बनता है तो यहाँ पर आपको अपने हाथों से हल्का सा इसका शेप दे देना होता है ताकि यहाँ का जो शेप है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर मोरी का जो नाप है टोटल नाप वो 13 इंच यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद हमें इसको स्लीव को कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट आपको लेना है, दो पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर इस प्रकार से आपका फोल्ड होना चाहिए। अगर इस प्रकार से फोल्ड होगा तो ही एक नीचे वाले स्लीव में आगे का पार्ट कटिंग होगा और ऊपर वाले स्लीव में आगे का पार्ट कटिंग होगा। अब हमें ऊपर वाला पार्ट को कटिंग करना है। जैसे ये दो पार्ट हमने हाथ में लिया चेक किया तो हमें नीचे भी ये दो है कि नहीं वो चेक करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कई बार जैसे हम यहाँ पर उठाते हैं तो अगर हमारे हाथ में एक दो और ये तीन अगर ये पार्ट आ गए हाथ में और हमारा ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर सिंगल ही है और हम कैंची चला देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप ऐसी आदत रखें कि ऊपर वाला दो पार्ट है तो नीचे भी दो पार्ट है कि नहीं वो भी चेक करें और उसके बाद ही कटिंग करें। तो यहाँ पर हमने जो स्लीव कटिंग किया है ये एक हमारा रेगुलर कटिंग हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पर कटोरी पार्ट का जो योग पार्ट है उसमें हम जब आधा इंच हम गहराई में जाते हैं जो हमारा यह ओरिजिनल था उसके बाद फिर हम यह 0.25 से आधा इंच तक हम जब गहराई लेते हैं इसका, तब यहाँ पर स्लीव में भी हमें गहराई लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम ये नाप देखेंगे तो ये नाप हमारा बढ़ जाता है। जैसे हमारा जो नाप था 7.50 एंड 1 पॉइंट था तो यहाँ पर यह नाप जो हमारा है वो हमें इतना बढ़ जाता है आधा इंच तक का ये बढ़ जाता है, क्योंकि हमने गहराई लिया है यहाँ पर इसलिए वो बढ़ जाता है। इसलिए स्लीव में भी आपको यहाँ पर आगे वाले पार्ट में थोड़ा गहराई देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये शेप करके थोड़ा ये सिर्फ कटोरी पार्ट में जब आपने यहाँ पर गहराई गारन कटिंग किया हो ज़्यादा तो ही लेना है, लेकिन फोर टक्स या प्रिंसेस कट में तो जैसे फोर टक्स में तो हम इसे टक्स लगाने के बाद ही कटिंग करते हैं फिर उसका जो ओरिजिनल नाप है वही मिलाते हैं और प्रिंसेस पार्ट में भी वैसे ही मिलाते हैं, लेकिन कटोरी पार्ट में यहाँ पर एक्स्ट्रा हम जो कटिंग करते हैं इसलिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी एक्स्ट्रा कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब स्लीव लगाएंगे तो बैठेगा, नहीं तो फिर स्लीव यहाँ पर कम हो जाएगा जब बिठाएंगे, क्योंकि ये नाप बढ़ गया है तो स्लीव का नाप भी कम पड़ता है। इसलिए यहाँ पर आपको आगे वाला पार्ट सिर्फ बढ़ाना है, पीछे वाले पार्ट को कुछ भी कटिंग नहीं करना है।
अब यहाँ पर इसको खोल के देखे तो यहाँ पर ये शेप हमें मिलना चाहिए, और यहाँ पर आप आगे की ओर में एक कट लगा दीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये आगे की साइड में जोड़ना है। अब जैसे यहाँ पर आप स्लीव कटिंग किया तब यहाँ पर एक चौकड़ी लगा दीजिए, और उसके बाद भी यहाँ पर भी एक चौकड़ी लगा दीजिए ताकि आप स्लीव जब बना हो या फिर आप ये अस्तर है मान लो और कपड़े में आप चिपका रहे तो एक ही हाथ में ये ना बन जाए, इसलिए ये यहाँ पर ये सामने सामने आपको मिल जाए उसका आपको ध्यान रहे। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट लेसन में समझना है जो ये बैक पार्ट है। अब हमें यहाँ पर 10 इंच का गला कटिंग करना है या फिर 11 इंच का, आपको जितना भी डीप गला कटिंग करना है, जैसे यहाँ पर 10 इंच है या फिर 11 इंच है। अगर ये फॉर्मूला से जितना हमने ये बैक पार्ट कटिंग किया उसी हिसाब से आपने 10 इंच का या 11 इंच का गला कटिंग कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे इसी पार्ट में शोल्डर उतरने की संभावना रहेगी, तो वो संभावना ना रहे तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल हम इसमें जो नेक्स्ट लेसन में हम समझाएंगे कि बैक पार्ट को जब यहाँ पे बैक पार्ट हमारा ओरिजिनल कटिंग हो गया उसके बाद फ्रंट पार्ट सब कुछ कटिंग हो जाए उसके बाद लास्ट में ये प्रोसेस किया जाता है, तो ये समझना है कि यहाँ पर बाद में इसको हम कैसे पता करें कि यहाँ पर हम ज़्यादा डीप गला बनाए तो वो शोल्डर गिरेगा या नहीं गिरेगा, उसके लिए हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे।